एक तो कोरोना और दूसरा अब टिड्डी दल की दहशत बनी हुई है। हिमाचल में भी जुलाई तक टिड्डी दल के प्रवेश करने की सूचनाओं पर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और इसके चलते ही कृषि विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। फिलहाल अभी टिड्डी दल दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में सक्रिय है और पंजाब, हरियाणा, पड़ोसी राज्यों में टिड्डी दल की सक्रियता के चलते हिमाचल में भी लोग सहमे हुए हैं। भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार टिड्डी दल को रोकने के लिए एहतियात बरतने में हमीरपुर में विभाग जुट चुका है और लोगों को टिड्डी दल से बचाव के लिए जागरूक करने का काम कर रहा है। टिड्डी दल की आहट को देखते हुए हमीरपुर कृषि विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हमीरपुर कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर कुलदीप वर्मा ने कहा कि टिड्डी दल के खतरे को लेकर कृषि विभाग में भी पूरी तरह से तैयारी की जा रही है ताकि कोरोना संकट के दौरान इस तरह के खतरे से बचाव किया जा सके। उन्होंने बताया कि टिड्डी दल से बचने के लिए किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग हमीरपुर टिड्डी दल के प्रकोप के से बचाव के लिए समय समय पर सभी आवश्यक कदम जो है उठा रहा है और इसके लिए जो एडवाइजरी सरकार द्वारा इशू की गई है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। टिड्डी दल है, ये ग्राउस हॉपर की ही स्पीसीज है तथा ये एक ग्रुप में दल में कार्य करता है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए पांच बहुत आवश्यक बातें जो हैं, सबसे पहले है कि ये जो टिड्डी दल है इसकी जो टिड्डी जो है वो 10 इसकी स्पीसीज हैं जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। उन 10 में भी जो रेगिस्तान का टिड्डी है वो सबसे ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाता है। दूसरा है कि ये जो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अभी तक राजस्थान जो स्टेट है, राज्य है, उसमें लगभग 90,000 हेक्टेयर एरिए में नुकसान हो चुका है फसलों का और कृषि फसलों का एवं फल इत्यादि फसलों का। इसके अतिरिक्त कृषकों को क्योंकि ये दिन को कार्य करता है, दिन को जो है वो फसलों को नुकसान करता है और रात को ये टिड्डी जो है वो रेस्ट करता है, आराम करता है। तो जहाँ तक भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार कि रात को इसको जितना डिस्टर्ब किया जाए सायरन से, हॉर्न से या थालियाँ बजाकर ताकि प्रजनन क्षमता प्रजनन भी कम हो और इसको कंट्रोल किया जा सके। दूसरा इसका जो इसका कंट्रोल करने का है वो रासायनिक विधि है। रासायनिक जो रसायन जैसे मेलाथियन 50 EC 2-3.4 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोलकर तथा एक जो दूसरा क्लोरोपाइरोफोस 20 EC 2.4 जो मिलीलीटर 1 लीटर में घोलकर छिड़काव करें। जानकारी के अनुसार टिड्डी दल ओमान के रेगिस्तान में भारी बारिश के बाद तैयार होता है और हिंद महासागर में साइक्लोन आने से रेगिस्तान में बारिश होने लगी है। इसी वजह से टिड्डियां पैदा होती हैं। भारत में भी अप्रैल महीने में टिड्डी दल ने राजस्थान में एंट्री की थी और अब बाकी प्रदेशों में टिड्डी दल ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है।